हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल श्याम रसोई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पालक और स्वीट कॉर्न की बहुत ही टेस्टी सब्जी। ये सब्जी हेल्दी भी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं पालक स्वीट कॉर्न की रेसिपी। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब पालक लिया है, जिसे मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम पालक को उबलते हुए पानी में डाल देंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसे केवल 2 मिनट के लिए उबालेंगे। तो पानी में बॉयल आ गया है और पालक हमारा उबल चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक चलनी में पालक को निकाल लेंगे और साथ ही इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे ताकि पालक की कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं पर रुक जाए। और अब हम पालक को एक मिक्सर के जार में डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर दीजिए। अब मैं यहाँ 7 से 8 लहसुन की कली मिला रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग पर। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा मिलाएंगे। जब जीरा तड़कने लगेगा तब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 2 सूखी लाल मिर्च मिलाएंगे। हमें इस सब्जी में बहुत ज़्यादा खड़े मसालों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 प्याज को बारीक कट करके मिलाएंगे और प्याज को हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सेकना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च को बारीक कट करके मिलाएंगे। आप चाहें तो शिमला मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और इसे भी हम सेक लेंगे 2 मिनट के लिए। और अब मैं यहाँ 1 बड़े टमाटर को बारीक कट करके मिला रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अब मैं यहाँ कुछ मसाले मिला रही हूँ। तो यहाँ मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला रही हूँ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और 1.5 छोटा चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है। जो नॉर्मली हम मसाले यूज़ करते हैं केवल उन्हीं मसालों का मैं यूज़ कर रही हूँ। और मसालों के साथ हम टमाटर प्याज को अच्छे से सेक लेंगे और उसके बाद हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में हमें चेक भी कर लेना है वरना मसाले चिपक जाएंगे तले में। तो 2 मिनट हो गए हैं और तेल सेपरेट होने लगा है मसालों से। हम इसे थोड़ा चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। थोड़ा स्पैचुला की मदद से हम प्रेस कर देंगे टमाटर को। तो यहाँ मैंने 1 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं, जिसे मैंने कुकर में 3 सीटी दिलाकर बॉयल कर लिया था। थोड़ा पानी ऐड किया था इसको बॉयल करने के लिए। हम इसे थोड़ा चला लेंगे और उसके बाद हम पालक का पेस्ट मिला देंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर के जार में जो भी लगा हुआ है पालक का पेस्ट उसे भी हम अच्छे से धो के इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है इसमें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। मैं सब्जियों में लास्ट में नमक ऐड करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच के करीब नमक मिला रही हूँ और इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम सब्जी को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और हमें बीच में चेक भी कर लेना है। और 4 मिनट के बाद हम देखते हैं कि सब्जी काफ़ी पक गई है। हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं घर की ही दूध की मलाई ले रही हूँ। हम इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई ऐड करेंगे। मलाई से ये सब्जी बहुत ही स्मूथी हो जाती है और खाने में भी बहुत यम्मी लगती है।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। मलाई ऐड करने से सब्ज़ी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला मिलाएंगे। आप चाहें तो गरम मसाला ना मिलाएं। तो हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड, पालक स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।